इंदौर के महापौर पर वादा खिलाफी और जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के आरोप के सहित अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस ने निगम व महापौर कार्यालय का घेराव किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। महापौर जी ने चुनाव लड़ा, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए, बीजेपी के सांसद विधायक बीजेपी के नेताओं ने कहा कि किसी प्रकार का 5 साल टैक्स नहीं लगेगा, आप महापौर हमारा बनाओ, हम अवैध कॉलोनियों को अवैध करेंगे, महापौर हमारा बनाओ, हम जो शुल्क नक्शे का होता है महंगाई के दौर में कोई शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, महापौर हमारा बनाओ। तो मैं मानता हूँ शहर की जनता ने भरोसा किया और महापौर आदरणीय कानूनविद को बना दिया। कानूनविद की काम करने की शैली ऐसी निकली कि नगर निगम की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तनख्वाह बांटने के पैसे की स्थिति बची नहीं और शिवराज जी की तर्ज पे 50% कमीशन की नगर निगम कैसे चले, इसकी ओर वो अग्रसर हो गए। कानून के अमली जामे में पहना के 50% कमीशन महापौर, उनकी टीम, पूरी नगर निगम के कर्मचारी कैसे वसूल करें, उसकी नगर निगम बच गई। अरे डिवाइडर बने हुए को बनाना और उनमें कमीशन खाना, जो कर्मचारी है रोज नए कर्मचारी रखना और नेताओं के घर पे 20-20, 30-30, 40-40 कर्मचारी लगाना, जब आर्थिक स्थिति अपनी ठीक नहीं है तो खर्चे का बर्डन क्यों जनता के खर्चा। अब शांतिपूर्ण तरीके से बातें हो रही थी तो वाटर कैनन, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय संजय शुक्ला जी को, आदरणीय चिंटू चौकसे जी को, सारे पार्षदों को, कांग्रेसजनों को कि जनता की आवाज़ को इतनी ताकत से उन्होंने उठाया। मैं ये लड़ाई विधानसभा चुनाव तक इनको मुंह की चटा देगी अगर ये कमीशन इनने ये जो टैक्स बढ़ाया है वापस नहीं लिया। अधिकारियों से बात करी 100% ये पूरे मुद्दे को टैक्स के इस वादा खिलाफी को विधानसभा में लेके जाएंगे। अधिकारियों से बात हुई थी अभी, अधिकारियों से जब बंटवारा चर्चा हो रही थी तो वाटर कैनन का प्रयोग क्यों किया? यही तो हर धर्मिता है, तानाशाही है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इनका पाखंड है, डराने की प्रक्रिया है। पर कांग्रेस जन डरेंगे नहीं, मुझ पर अभी FIR की 10 साल पहले की सजा दी है, तब भी जेल जाए भेजेंगे, फांसी देंगे, पर लोकतंत्र में बिकेंगे नहीं, 50-50 खोखे में लड़ेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। बता दें इंदौर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने, खुले गड्ढे व अन्य समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि वह अपनी मांगे विधानसभा में भी उठाएंगे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।